इस वीडियो में हम ये देखते हैं अगर ये जो वॉशिंग मशीन का ड्रायर है, ये ड्रायर वाले टब यानी कि ड्रम, कई बार ऐसा होता है कि कपड़े को ड्राई करते समय एक आध कपड़े अंदर घुस जाए, या फिर कई बार तो इसके अंदर चूहे वगैरह आके मर जाते हैं, बहुत बदबू करने लगता है, या कई बार आपका मन करे कि इसे को खोल कर कैसे साफ करते हैं। तो आज की वीडियो हमारे इसी टॉपिक पर है। तो ये है हमारे पास LG कंपनी की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो ये कैसे खुलेगा इसका स्पिनर का जो ड्रम है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये वाला पार्ट यहां से ऐसे खींचकर खुल जाता है, ये देखिए। अब इसके बाद आप इनके अंदर चेक कर सकते हो कि क्या गंदा है, कुछ कपड़े गिरे हैं, या फिर चूहे वगैरह तो आकर नहीं मर गए हैं, आखिर ये क्यों बदबू कर रहा है। आपको अगर अपने वॉशिंग मशीन के इस ड्रम वाले टब, ये ड्रायर वाले पार्ट को क्लीन करना है तो खोलना पड़ेगा। खोलने की स्थिति में है तो कैसे खोलना है, इसके लिए चलिए हम आपको इसके पीछे के साइड चलकर दिखाते हैं ताकि ये वाला पार्ट कैसे खुलता है। तो फिर ये देखिए, हम आपको इस वॉशिंग मशीन के पीछे के साइड से दिखा रहे हैं। इसके पीछे की कवर को हमने खोल दिया है ताकि ये वीडियो आपके लिए ज्यादा लंबा ना हो। तो इस तरीके से आप जब अपने वॉशिंग मशीन के पीछे की कवर को खोल लेंगे तो अब आपको यहाँ पर ये दिखेगा, ये है ड्रायर वाली मोटर। ये देखिए, इस मोटर में लगे होते हैं फुल्ली, और मैं इसको घुमाकर दिखाता हूं। तो इसमें लगे हैं दो बोल्ट, ये देख सकते हैं, एक नीचे लगे हैं वो मोटर को पकड़ कर रखा है, और ये देखिए इस तरीके से एक ये ऊपर लगा है, वो ऊपर वाले ड्रम या फिर टब बोल सकते हैं, उसको पकड़ कर रखा है। तो उसे खोलने के लिए हमें यहां पर लगेगा एक इस तरीके से टीप आना, ये देखिए, जो कि हम हमारे वॉशिंग मशीन के में जो यूज हो रहा है वो 10 नंबर के पाना यूज हो रहे हैं। तो सिंपल हमें इस टी पाना को वहां पर उस बोल्ट में लगाने हैं। तो ये देखिए, उसके बाद उसे ढीला करने हैं। जब वो ढीला हो जाए तो अपने हाथों का यूज करके उसके बोल्ट को बाहर निकालना है। तो ये देखिए, हमने उस बोल्ट को बाहर निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, फिर अब देखिए हम इसके स्पिन वाले डोर है उसे उठा देते हैं ताकि वो थोड़ा सा नीचे मोटर में ब्रेक टाइट हो जाए या ब्रेक लग जाए। यहाँ पर आपको दो लोगों की जरूरत पड़ सकता है, या फिर कोई ऐसा पाना इसमें आप फिट कर सकते हैं ताकि इसे घूमने ना दें। ये देखिए, तो इसे पकड़ कर रखना है नीचे से अच्छे से पाना की मदद से। उसके बाद आप अपने वॉशिंग मशीन के उस ड्रायर यानी कि स्पिन ड्रम, ये देखिए, इसे ऐसे हाथ से पकड़कर घुमाएंगे। एक पर्सन नीचे से पकड़ा है पाना फंसा कर, तो ये ड्रम ऐसे घुमाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये जो ड्रम है वो निकल आते हैं, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड, उसके बाद आप यहाँ पर अपने वॉशिंग मशीन की ड्रायर के ड्रम में चेक कर सकते हो, कुछ चूहा वगैरह मरा है या फिर बहुत ज्यादा गंदगी है, बदबू आ रहे हैं, ऐसे में आप सिंपल उसे एक कपड़े को लेकर पोंछ सकते हैं। पानी ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो उस होल से मोटर में पानी जाकर नीचे मोटर को खराब कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान देना है, पानी नहीं डालना है। पोछा करते हुए पोछा कपड़ा टाइप का कपड़े को गीला करके इस पार्ट को अच्छे से हम क्लीन कर सकते हैं। जब आप अपने वॉशिंग मशीन को क्लीन कर लें तब ये जो ड्रम है फ्रेंड उसे लगाना है। तो ये जो शॉप दिख रहा है उस होल को मैच कराना है, ये देखिए। तो उस होल में ये जो शॉफ्ट है वो लगेगा, इस तरीके से आपको मैच करा के उसे लगाना है।
लगाने के लिए एक हाथ को नीचे इस ड्रम के सॉफ्ट में रखना है। यहाँ से कैमरा तो नहीं दिखेगा पर आप समझ सकते हो, इसके सॉफ्ट को नीचे इस तरीके से हाथों से पकड़ना है इस तरीके से, और उसके होल को मैच कराना है, उसके होल में इसके सॉफ्ट को लगाना है। तो इस तरीके से कोशिश करेंगे फ्रेंड्स तो आसानी से वो लग जाएंगे। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने इस ड्रम को लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब सिंपल हमें इसके पीछे के साइड चलकर जो बोल्ट हमने खोले हैं उसी बोल्ट को हमें टाइट करना है। तो ये देखिए हम फिर से इसके पीछे की साइड से दिखा रहे हैं। तो यहां पर पहले तो इसके होल को एक सीध में कर लेते हैं। ये देखिए ये जो होल है वहां पर आप देख सकते हो, ये जो सॉफ्ट है उसके भी चिपटा वाला हिस्सा हमें यहाँ पर दिख रहा है। मैं थोड़ा सा ड्रम को घुमाकर दिखाता हूं। ये देखिए तो इस तरीके से हमें इसे चेक करना है। और जो जहां पर खांचा है बोल्ट, ये देखिए यहां पर मिलाने के बाद हमें इसके बोल्ट को चढ़ा देने हैं। तो फिर ये देखिए पहले तो इस बोल्ट को हाथ से ही पकड़कर उसके होल पे लगाने हैं। तो देखिए जितना हाथ से होता है उतना तो टाइट कर देते हैं। उसके बाद फिर से हम पाना का यूज करेंगे और उसको अच्छे से फुल टाइट कर देंगे। ये देखिए तो ये अच्छे से फुल टाइट हो गया। बस इसी तरीके से आप अपने इस वॉशिंग मशीन के, ये देखिए स्पिन वाले ड्रम के टब को खोल सकते हैं, लगा सकते हो। उसके बाद ये ऊपर वाले पार्ट को फिर से लगा दें। ये देखिए तो इस वीडियो से जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। फिर से मिलते हैं हम कोई नई वीडियो में नई जानकारी लेकर।